दोस्तों, तो ये सुबह सुबह है लोनावला में हम, और यहाँ पर हम नाश्ता करने के लिए आए हैं ब्रेकफास्ट, जो कि काफ़ी फेमस आउटलेट है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यस गाइस, वी आर एट कामत। तो जैसे ही मुंबई से हम ट्रैवल करते हैं और सबसे पहले खंडाला में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले जो रेस्टोरेंट आती है, जो प्योर वेज रेस्टोरेंट है और उसके मील्स के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, साउथ इंडियन क्यूजीन के लिए बहुत फेमस है, वो है कामत। तो आज हम आपको कामत में नाश्ता कराएंगे और लोनावाला की कामत की जो आउटलेट है वो कैसी है वो भी आपको बताएंगे। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं, कामत को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इनकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है। मगर यहाँ पर जो सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट का मज़ा आने वाला है दोस्तों, वो बहुत अच्छा आने वाला है। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट में इडली, मेंदू वड़ा, मसाला डोसा, उत्तप्पा, सारी साउथ इंडियन क्यूजीन है। हम वो चखेंगे और वो एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी चखाएँ, तो बने रहिए हमारे साथ, आइए। तो चलिए आपको शेयर कराते हैं यहाँ पर कामत वेज प्योर वेज रेस्टोरेंट की। सो गाइस, ये है इसका एम्बियंस। ये यहाँ पर जो कामत के जो सेठ है, ओनर है, वो ओनर बैठे हैं, खुद पर्सनली हर चीज़ के का ध्यान देते हैं। और इनकी जो पीछे, ये इनका किचन सेक्शन है जो प्योर वेज एंड जैन फूड सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हाइजीनिक और नीट एंड क्लीन किचन। सो गाइस, ऑल द मैजिक बिगिंस हियर। रेस्टोरेंट है और ये रेस्टोरेंट सिर्फ ब्रेकफास्ट ही नहीं सर्व करता है, बट यहाँ पर लंच और डिनर भी सर्व होता है। और यहाँ पर प्योर जैन और वेज क्यूजीन अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमें भी काफ़ी भूख लगी है, तो हम भी हमारे टेबल पे बैठ के नाश्ते का मज़ा लें। सो दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। ये जो होटल है, ये 45 इयर्स पुरानी होटल है, मतलब जितनी हमारी एज है उतनी इस रेस्टोरेंट को भी उतना ही टाइम हो गया है। तो हम यहाँ पर सेटल हो चुके हैं हमारे टेबल पे और अभी ऑर्डर करते हैं नाश्ता और यहाँ की जो स्पेशलिटी है साउथ इंडियन क्यूजीन वो चखते हैं। दोस्तों, हमारा पूरा नाश्ता आ चुका है इस वक्त, तो सबसे पहले हम चखेंगे इडली। इडली, मेंदू वड़ा, मसाला डोसा, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इडली। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी एज यूजुअल। कामत का एक ये बेंचमार्क रहा है कि आप कोई भी आउटलेट में उसका खाना खाइए और जो भी डिशेज ट्राई करेंगे उसके जो फ्लेवर्स होते हैं हर जगह सेम होते हैं, उनकी चटनी, उनकी इडली, उनका मसाला डोसा। तो वो एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए, टाइम टू टेस्ट द जम्बो मेंदू वड़ा, काफ़ी क्रंची और फ्रेश। सो क्रंची। तो चलिए चखते हैं साबुदाना वड़ा से। वाह, एकदम गर्म है, जैसे कि आप देख सकते धुआं निकल रहा है। और इसे खाते हैं दही के साथ। गरम, क्रिस्पी और क्रंची। चखते हैं यहाँ का जो सबसे फेमस और हॉट केक आइटम है। हमने तो मना किया था कि हम बटाटा वड़ा नहीं खाएंगे, मगर इनका रिकमेंडेशन आया था कि यहाँ पर बटाटा वड़ा जो है काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा है। तो साइज़ भी अच्छी है और इसकी जो चटनी है, ये चटनी भी अलग टाइप की है। यूजुअली बटाटा वड़ा में ये चटनी नहीं खाई जाती, मगर ये अलग है। एंड एकदम वाइट मसाले में, एकदम लाइट ग्रीन मसाले में है बटाटा वड़ा, एकदम फ्रेश है। काफ़ी अलग टेस्ट है, मतलब जैसा कि येलो मसाले में जो बटाटा वड़ा बनता है उसमें मसाले राई वगैरह ज़्यादा होती है, इनका जो है लाइट वाइट कलर के अंदर मसाला है और काफ़ी सॉफ्ट टेक्सचर है और थोड़ा सा अलग टेस्ट है इसका, जो हो सकता कामत की स्पेशलिटी हो। अच्छा किया मैंने ये चख लिया। खट्टी चटनी के साथ, कोथमीर और पुदीने वाली खट्टी चटनी है, बहुत ही अमेजिंग चटनी है। चटनी के लिए मैं एक और बाइट तो बनता है। देख सकते हैं मूसा को इडली और मेंदू वड़ा काफ़ी पसंद आया, तो वो उसमें बिजी है। सांभर कह रहा है कि काफ़ी टेस्टी है। तो यहाँ पर का जो सिग्नेचर आइटम है रवा मसाला डोसा, तो हम वो ट्राई करते हैं, रवा मसाला डोसा। वाव, काफ़ी अच्छा टेस्ट है और काफ़ी थोड़ा अलग है,
ट्रेडिशनल टेस्ट जो कहेंगे ना, कामत नोज हाउ टू सर्व देयर कस्टमर, ट्रेडिशनल टेस्ट। साउथ इंडियन डिशेस के बीच में हम चखेंगे अभी महाराष्ट्रियन नाश्ता। तो यहाँ का मिसल, ये भी यहाँ का बहुत सिग्नेचर आइटम है, काफ़ी फेमस है, तो ये भी चखते हैं मिसल। ये देखिए, थोड़ा पहले मैं ऐसे ही चख लेता हूँ क्योंकि मुझे पता चलेगा उसका टेस्ट कैसा है। एकदम माइल्ड टेस्ट है, ज़्यादा तीखा नहीं है, खट्टा भी नहीं है, जैसा कि एक परफेक्ट मिसल को होना चाहिए। थोड़ा पाँव के साथ में खाएंगे, देखते हैं कैसा लगता है। बनाना बड़ा अच्छा है ना, मैंने कहा था ना ये चटनी है गाइस, ये चटनी बहुत अमेजिंग है। वाटर बेस्ड चटनी है, पुदीना, कोतमीर और जिसके अंदर जो खट्टापन है ना, बहुत अमेजिंग है। उसका मिसल काफ़ी अच्छा है, मैं एक और बाइट लूँगा। गुड मिसल। तो चलिए, महाराष्ट्र मिसल ट्राई करने के बाद अभी बारी है एक पंजाबी डिश की, जो है फेमस छोले भटूरे। तो काफ़ी बड़े छोले हैं, तो काफ़ी फ्रेश है, गरम गरम है, क्रंची है, तो छोले भटूरे भी यहाँ के ट्राई करते हैं। बहुत अच्छे हैं, थिक पेस्टेड है और काफ़ी क्रीमी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो टेस्ट है बहुत अच्छा है, मैंने बहुत दिनों के बाद कोई अच्छा छोले भटूरे मैं कह सकता हूँ कि मैं खाया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर रोड साइड आप देखते हैं वो पतली ग्रेवी होती है, मगर यहाँ एक परफेक्ट छोले एट द परफेक्ट प्लेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबका फेवरेट दही वड़ा, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया कि यहाँ का आप दही वड़ा ट्राई कीजिए। तो पहले दही वड़े का ट्राई करते हैं। सुबह सुबह कामत रेस्टोरेंट में नाश्ता हो रहा है और उसमें दही वड़े ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए चखते हैं कामत रेस्टोरेंट का दही वड़ा। काफ़ी लाजवाब टेस्ट है, तड़का मारा हुआ है और जो दही की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो काफ़ी थिक है और बहुत टेस्टी है। बेहतरीन नाश्ता और डिलीशियस और टेस्टी नाश्ता करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ पर कामत में चाय नहीं पिए। तो चाय और कॉफ़ी दोनों आ चुकी है, तो चलिए चाय का मज़ा लेते हैं। ऐसे मौसम में चाय का मज़ा ही कुछ और। तो लोनावाला के इतने बेहतरीन मौसम के अंदर एक बेहतरीन अदरक वाली चाय अगर मिल जाए तो उसकी तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर हमने हमारा नाश्ता किया, कंप्लीट ब्रेकफास्ट, 9 डिशेस हमने ट्राई करी, सब एक से बढ़कर एक था। एंड द बटाटा वड़ा जो यहाँ का बहुत फेमस है विद द चटनी, उसका तो टेस्ट ही लाजवाब था। एंड मेंदू वड़ा इडली जो यहाँ पर सिग्नेचर है, और रवा डोसा। तो यहाँ पर मैं हमारे व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विजिट खंडाला लोनावाला, जैसे ही आप खंडाला एंटर करते हैं तो सबसे पहली जो रेस्टोरेंट, प्योर वेज रेस्टोरेंट जो एंट्री साथ मिलती है आपको, वो है कामत। तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विजिट, प्लीज़ विजिट कामत और यहाँ का नाश्ते का मज़ा लीजिए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गो एड एंड सब्सक्राइब टू ग्रेस नेटवर्क ब्लॉग्स और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आती रहे हमारे अगले ब्लॉग्स की। तो हाजिर होंगे एक नए ब्लॉग के साथ नई जगह पर, तो बने रहिए हमारे साथ। और अब तक के लिए अलविदा।